नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में हैं, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी जागेश्वर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है 10 सितंबर 2018 को पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया था, इसी दिन का वीडियो है। अल्मोड़ा में लमगड़ा थाना पड़ता है, इसी में एक चौकी है जैती, यहाँ की चौकी इंचार्ज है श्वेता नेगी। भारत बंद वाले दिन स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को बंद करवाने को लेकर सब इंस्पेक्टर श्वेता नेगी और कांग्रेस लीडर कुंजवाल की बहस हुई। वायरल वीडियो में कुंजवाल और उनके समर्थक स्कूल कॉलेज बंद करवाने पर अड़े हैं। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर श्वेता कह रही है कि शांति से विरोध प्रदर्शन कीजिए। अब कांग्रेस के लोकल नेता और कार्यकर्ता श्वेता नेगी का तबादला किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि श्वेता नेगी ने बदतमीजी की, उनके मुताबिक उनसे कहा गया विपक्ष में औकात में रहिए। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें श्वेता ये कहते हुए सुनाई नहीं देती हैं। हाँ, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से इसका जिक्र जरूर है। जवाब में श्वेता आरोप को खारिज करते हुए कहती हैं कि उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा है। कांग्रेस की तरफ के लोगों का दावा है कि वीडियो श्वेता नेगी के साथ के लोगों ने रिकॉर्ड किया, इसमें झगड़े की शुरुआत का हिस्सा नहीं है। ये आरोप एक तरफ है और दूसरी तरफ वीडियो है। इसमें कुंजवाल और उनके साथ के लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते छूट चाहते हैं। वो सब इंस्पेक्टर को याद दिलाते हैं कि वो कौन है। उनका कहना है कि बंद है तो सब बंद होगा, दुकानें भी, कार्यालय भी और स्कूल कॉलेज भी। वो ऐसा करके रहेंगे और कोई भी उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर नेगी बार बार कह रही हैं कि बंद का मतलब ये नहीं है कि स्कूलों और कॉलेजों को इसमें घसीटा जाए। वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को राजनीति से दूर रखने की अपील करती हैं। इस बहस का वीडियो भी आप देख लीजिए। अल्मोड़े में जहां आपके एसएसपी बैठते हैं वहां कलेक्ट्रेट बंद हो गया है, विकास भवन बंद हो गया, सारे कार्यालय बंद हो गए, आप हमको धमका रही हैं। नहीं सर, मैंने आपसे तो कोई बात नहीं करी है। मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई सर, मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई है। मैं आपसे मिली नहीं हूँ। नहीं सर, मैं आप विपक्ष वाली बात क्या होते हैं ये कहा आपने? मैंने ऐसा नहीं कहा सर, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं न्यूट्रल पब्लिक सर्वेंट हूँ। मैंने यही कहा कि बच्चों को राजनीति में ना पब्लिक सर्वेंट नहीं सर, नहीं सर, आप लोगों ने कि बच्चों को स्कूल बंद करा बंद कराया, हमने कराया, बंद कराया। हम जीआईसी भी बंद कराएंगे, हम तहसील भी बंद करा के आ गए हैं, हमने सारे बैंक बंद करा दिए। ये हमारा अधिकार है, आपका ये हमारा अधिकार है। मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, आप मुझे मेरी ड्यूटी करने से आपने ड्यूटी कर लिया। तो ये सुन लिया आपने बहस, हमने भी सुनी और उसके बाद पुलिस से उसका पक्ष जानने की कोशिश की, मगर वो बात नहीं कर रही। हम पूछना चाहते थे कि कांग्रेस सब इंस्पेक्टर नेगी पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का जो आरोप लगा रही है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन लमगड़ा पुलिस ने सवाल सुनकर फोन काट दिया। दूसरी तरफ कुंजवाल का कहना है कि सब इंस्पेक्टर राजनीतिक प्रेरणा से काम कर रही थी। आज तक के स्थानीय पत्रकार गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि श्वेता नेगी का तबादला करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अल्मोड़ा के एसपी पी रेणुका से मिले थे। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने एसपी ऑफिस का घेराव किया। फिलहाल उन्हें एसपी की तरफ से आश्वासन मिला है, कहा गया है कि जांच करवाई जा रही है, अगर श्वेता नेगी दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए सब इंस्पेक्टर नेगी ने औकात वाली बात कही या नहीं, अभी पक्के से नहीं मालूम है, लेकिन बाकी जो भी बातें उन्होंने कही और जो भी हमने वायरल वीडियो में सुनी वो बिल्कुल सही थी। भारत बंद के नाम पर स्कूल कॉलेज बंद करवाने का क्या तुक है? इससे यही समझ आता है कि सब बंद करवाना असल में नेताओं का अपना टारगेट होता है। ये ऊपर बता पाते हैं कि देखिए हमारे इलाके में बंद एकदम सफल रहा, हमने कुछ नहीं चलने दिया, पर उनके इस टारगेट पूरा करने के चक्कर में पिसती है बेचारी जनता। अब लोग कहेंगे कि ये भारत बंद था तो आम आदमी के लिए ही ना। तो भैया हमारा कहना है कि अगर ये भारत बंद वाकई आम आदमी के लिए था तो वो खुद क्यों नहीं सब बंद करते हैं? कांग्रेस या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडा लेकर जमीन पर क्यों उतरना पड़ता है? इसका जवाब शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के पास हो। आपका क्या सोचना है इन भारत बंदों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दी लल्लन टॉप की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है, उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। शुक्रिया।